बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए मैंने चिकन लिए, आलू बॉयल किए और हरी मिर्चें, हरा धनिया, साबुत लाल मिर्चें और साबुत धनिया वो डाला और इसको घी में भून लिया मसाले को। और इसमें अब कॉर्नफ्लोर जो बना थोड़ा सा दूध में मिक्स कर लिया, वो इसमें शामिल कर दिया तकरीबन 2 चम्मच। ये आपकी सैंडविची फिलिंग्स है तो जो हमने उसको भरना है सैंडविच में, तो माशाल्लाह हल्की फुल्की और मज़ेदार, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी आराम से खा सकते हैं और टेस्ट में भी बहुत मुख्तलिफ अलग से है क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा मसाले ज़्यादा कुछ नहीं डाला, बच्चे छोटे बच्चे भी आराम से खा सकते हैं। समझे, देखिए डबल रोटी के स्लाइस मैंने अलग किए, इनके किनारे उतार के आप इसके ही क्रंच बना सकते हैं और मैंने इसी के बनाए हैं और इस्तेमाल किया, इसको इस्तेमाल में लेकर आए और ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है और इसका वो भी बन सकता है। आप चाहें तो डबल रोटी का हलवा उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने इसके ऊपर लगा दिया डबल रोटी के ऊपर तमाम वो जो मैंने चिकन और अंडे का अमेजा तैयार किया है, इसको रख के दबा दिया अच्छे तरीके से। इसको बीच में से हाफ कर लेते हैं, माशाल्लाह दबा लिया अच्छे तरीके से। स्लाइस लेकर काट ली बीच में से ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स लेकर अच्छे तरीके से आप चारों तरफ लगाएं, फिर इसको कम घी में तल लें ताकि बहुत ज़्यादा घी इसके अंदर ना हो, ऑयली ज़्यादा ऑयली भी नहीं चीज़ पसंद आती है अमूमन शाम को तारी के टाइम, लेकिन इनके कम कम घी में मैंने इसको तला ताकि चूर लंबी हो और हैवी भी ना हो, सीने में बोझ भी ना हो। ये मुख्तसर सी छोटी सी बड़ी अच्छी डिश है और जल्दी तैयार होती है और सब बच्चे खा भी सकते हैं। ये से इसी तरह मैं और बना लूँगी, देखिए तले जा रहे हैं और मैं और बना लूँगी, तकरीबन 4-5 पीस में आपने काफ़ी बन जाते हैं, मैंने 6 पीस में से बनाए हैं, 12 बन गए माशाल्लाह, बड़े अच्छे बने। मैं कलर देखे कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन आया, अभी हमारे सैंडविच तैयार हो गए हैं और इफ्तारी में इंशाल्लाह घी इस्तेमाल होने वाले हैं थोड़ी सी देर के बाद इंशाल्लाह, और खाएं और इंजॉय करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला इस रमज़ान के सदके हम सब की खताएं माफ़ करें, हम सब की बीमारियां उठा लें और हमारे मुल्क पे ख़ास तौर पर रहम करें। अल्लाह ताला हम सब को नेकी की हदायत अता करे और बाजी से मीना को भी नेकी की हदायत अता करे। इसके साथ बाजी से मीना इंशाल्लाह दूसरी डिश में मिलेंगी, अभी हम पाकिस्तान का नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। देखिए बड़ा अच्छा सॉफ्ट मज़ेदार